माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की आज प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी। उमेश पाल किडनैपिंग केस में हो सकता है सजा का ऐलान। अतीक और अशरफ को कड़ी सुरक्षा में नैनी जेल में रखा गया है, हाई सिक्योरिटी सेल में बंद है अतीक, सीसीटीवी कैमरे से रखी जा रही है नजर। अतीक और अशरफ की सुबह 11 बजे के आसपास कोर्ट में होगी पेशी, करीब 2 घंटे पहले जेल से कोर्ट ले जाया जाएगा। अतीक अहमद को सोमवार को अहमदाबाद से प्रयागराज लेकर पहुंची थी प्रयागराज पुलिस, अशरफ को बरेली जेल से लाया गया प्रयागराज। किडनैपिंग केस का एक और आरोपी फरहान भी नैनी जेल में है, इसको भी सुबह 11 बजे कोर्ट में पहुंचाना होगा। उमेश पाल ने 5 जुलाई 2007 में दर्ज कराया था अपहरण का केस, बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या का चश्मदीद गवाह था उमेश पाल। जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने नैनी जेल का किया निरीक्षण, कहा उत्तर प्रदेश को हमारी सरकार माफियाओं से मुक्ति दिला रही है। उमेश पाल की पत्नी ने अतीक की फांसी की मांग की, कहा कि इसका अस्तित्व खत्म होना जरूरी, अगला टारगेट मैं भी हो सकती हूँ। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान, अतीक मामले में कोर्ट के आदेश का पालन करेगी सरकार। फ्रीडम ऐप से सीख कर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का तंज, हर जगह दल को देखकर मुकदमे लग रहे हैं, अगर आपका सरकार खिलाफ खड़े हो तो कैसे हो जाएगा। माफिया अतीक की बहन का बयान, जो भी अदालत का फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क बोले, अतीक को लेकर सरकार कोई गलत नहीं करेगी, कानून के हिसाब से ही होगी कार्रवाई। फरार अमृतपाल की एक और तस्वीर आई सामने, पपल प्रीत के साथ कोल्ड ड्रिंक पीते नजर आया। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के खिलाफ आज भी जारी रहेगा कांग्रेस का ब्लैक प्रोटेस्ट, पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद होंगे शामिल। कांग्रेस के सांसद संसद के दोनों ही सदनों में काले कपड़े पहनकर आएंगे, सोमवार को भी कांग्रेस सांसदों ने संसद में काले कपड़े पहनकर किया था हंगामा। राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने को मिला नोटिस, दिल्ली के 12 तुगलक लेन में अभी रहते हैं राहुल गांधी। लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने राहुल को नोटिस भेजा, 22 अप्रैल तक बंगला खाली करना होगा। बंगला खाली करने के नोटिस पर भड़की कांग्रेस से, सांसद प्रमोद तिवारी बोले ये राहुल के प्रति बीजेपी के नफरत को दर्शाता है। राहुल के खिलाफ बदले की भावना से काम कर रही है बीजेपी, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का हमला। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर विपक्ष की भी बड़ी बैठक, शरद पवार, रामगोपाल यादव और ममता की पार्टी ने नेता में शामिल हुए। विपक्ष की मीटिंग में राहुल गांधी भी सोनिया गांधी के साथ पहुंचे, सरकार को घेरने को लेकर बनी रणनीति। विपक्ष की मीटिंग से उद्धव ठाकरे ने किया किनारा, सावरकर पर दिए बयान को लेकर जताई नाराजगी। राहुल अडानी को लेकर संसद में विपक्ष का ब्लैक प्रोटेस्ट, सोनिया गांधी भी काले कपड़े पहनकर संसद पहुंची। खड़गे ने पूछा जेपीसी जांच से क्यों बच रही है सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, क्या जादू से 2.5 साल में बढ़ गई अडानी की संपत्ति। विपक्ष के ब्लैक प्रोटेस्ट पर पीयूष गोयल का निशाना, कब तक छोटी राजनीति करते रहेंगे, लोकतंत्र के मंदिर का अपमान करते रहेंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का तंज, जेपीसी से पीएम मोदी और अडानी घबराए हुए हैं। केरल के कन्नूर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, राहुल की सदस्यता जाने के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। वायनाड में मुस्लिम यूथ लीग ने निकाला मार्च, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने का विरोध। लोकतंत्र को नहीं कांग्रेस को खतरा है, इसलिए कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की, जी किशन रेड्डी का निशाना। राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस एक साथ कई शहरों में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस के सीनियर नेता 2 दिनों में 35 शहरों में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी आज बीजेपी मुख्यालय की एक और बिल्डिंग का करेंगे उद्घाटन, डीडीयू मार्ग पर ही बनी है बिल्डिंग। सावरकर पर दिए बयान पर घिरे राहुल गांधी, गिरिराज सिंह बोले 7 जन्म लेंगे राहुल तब वीर सावरकर को जान पाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष और संसद को अपमानित किया, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोले, सावरकर पर बोलने से पहले एक दिन भी अंडमान की जेल में रहे राहुल। सीएम एकनाथ शिंदे ने बदली अपनी ट्विटर डीपी, अपनी तस्वीर हटाकर लगाई वीर सावरकर की तस्वीर। सावरकर का पान बर्दाश्त नहीं करेंगे बीजेपी, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले हर जिले में सावरकर गौरव यात्रा निकालेंगे। राहुल के बयान पर संजय राउत का पलटवार, कहा गांधी हो लेकिन सावरकर का नाम ना घसीटे। सावरकर के पोते की राहुल गांधी को चुनौती, कहा कि सावरकर के माफी मांगने का दिखाएं डॉक्यूमेंट। सावरकर पर राहुल गांधी की टिप्पणी का विरोध, बीजेपी सांसदों ने संसद में शिवाजी मूर्ति के सामने किया प्रदर्शन। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवार की चयन प्रक्रिया जल्द शुरू करेगी, सीएम बसवराज जानकारी दे रहे हैं। कर्नाटक में बीएसपी अकेले लड़ेगी चुनाव, 60% उम्मीदवारों के नाम तय हुए, मायावती ने ट्वीट कर दी जानकारी। अप्रैल से पूरे महाराष्ट्र में ज्वाइंट रैलियां करेगी महाविकास अघाड़ी, 2 अप्रैल को संभाजीनगर में होगी पहली रैली, रैली का टीजर जारी। दिल्ली विधानसभा में बोले अरविंद केजरीवाल, सीडब्ल्यूसी और सीएनजी घोटाले के लिए जानी जाती थी दिल्ली, अब अच्छे स्कूल और अस्पताल के लिए जानी जाती है। दिल्ली में 8 साल में 28 फ्लाईओवर बने, 29 और बनाएंगे, अरविंद केजरीवाल का बयान। आज अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड होगी, नौसेना प्रमुख एडमिरल उड़ीसा के आईएनएस चिल्का में होने वाले कार्यक्रम में होंगे शामिल। आर्मी चीफ मनोज पांडे का बयान, रूस यूक्रेन युद्ध के कई देशों के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव पैदा हुआ है।
यूपी निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी। ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाजत, दो दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश। सीएम योगी ने कहा कि कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट स्वीकार की, आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए होंगे निकाय चुनाव। यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर एके शर्मा का बयान, बहुत जल्द ही निकाय चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। अमृतसर से इंग्लैंड के गैटविक तक फ्लाइट शुरू, हफ्ते में 3 दिन उड़ान भरेगी फ्लाइट। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी जानकारी। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव, आईटी मिनिस्टर बोले पीएम के नेतृत्व में पूरा दूरसंचार क्षेत्र बदल गया। अयोध्या में राम मंदिर का काम जोरों पर, महाराष्ट्र के चंद्रपुर की सागवान लकड़ी से बनेगा मंदिर के गर्भगृह का दरवाजा। रामनवमी मनाने के लिए फंड देने के फैसले पर भड़के ओवैसी, बताया दोहरा मापदंड, कहा 5 साल से मदरसों में टीचर्स को पैसे नहीं दिए गए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार कई एनसीईआरटी किताबें 2024-25 से शुरू होने की संभावना, शिक्षा मंत्रालय के एक बयान के आधार से बताया गया। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया, 18 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाले में बीआरएस नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, 3 हफ्ते तक चली सुनवाई। तमिलनाडु में आरएसएस के रूट मार्च का मामला, मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। सीएम ममता बनर्जी की राष्ट्रपति मुर्मू से अपील, लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करें, 2 दिन के कोलकाता दौरे पर है राष्ट्रपति। उत्तराखंड में होने वाली G20 बैठक को लेकर मिली धमकी पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रशासनिक और सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तैयारी, एजेंसियां रख रही हैं गतिविधि पर नजर। कर्नाटक के शिवमोगा में बंजारा भोवी समुदाय का जबरदस्त प्रदर्शन, नाराज लोगों ने पूर्व सीएम येदुरप्पा के घर और ऑफिस पर पथराव किया। शिवमोगा में बंजारा भोवी समुदाय के लोगों पर लाठीचार्ज, सदाशिव आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का विरोध किया। घर और ऑफिस पर पथराव होने पर बोले बीएस येदुरप्पा, प्रदर्शनकारियों को कुछ गलतफहमी हो सकती है, बंजारा समुदाय के नेताओं से करूंगा बात। देश में कोरोना के मामले 10,000 के पार पहुंचे, 24 घंटे में 1800 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए। भारत में कोविड के नए वेरिएंट XBB.1.1.16 के 610 मामले सामने आए हैं, INSACOG ने जारी किया डेटा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली में स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो में शामिल हुए, कहा $5,000 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए स्मार्ट सिटी और गांवों का विकास जरूरी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इंडिया सॉफ्ट किया उद्घाटन, कहा कि 2022-23 तक भारत का निर्यात $750 बिलियन हो जाएगा। त्रिपुरा में गांजा तस्करों पर शिकंजा, 2 करोड़ से ज्यादा कीमत का गांजा जब्त। इंदौर में एक्ट्रेस तापसी पन्नू के खिलाफ केस दर्ज, रिवीलिंग ड्रेस पर देवी की तस्वीर वाला लॉकेट पहनने का आरोप लगा। शिकायतकर्ता ने धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया, मामला दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई का दिया भरोसा। दिल्ली के बदरपुर में 2 मंजिला मकान में आग लगी, पूरी इमारत भरभराकर ढही। फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुटी, हादसे में किसी को चोट नहीं लगी। ओडिशा में हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, नियमित करने के लिए मांग की। पीएम मोदी की मेक इन इंडिया मुहिम के तहत बड़ी पहल, चीन को टक्कर देने के लिए मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज लॉन्च। सलमान खान को धमकी का मामला, मुंबई कोर्ट ने आरोपी धाकर राम को 3 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेजा। अमृता फडणवीस को ब्लैकमेल करने वाली अनीक्षा जया सिंघानी को मुंबई सेशंस कोर्ट से मिली जमानत, पासपोर्ट जमा करने का आदेश। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने किया आईडी ब्लास्ट, छत्तीसगढ़ आर्म फोर्सेस के एक जवान शहीद हुए। अलीगढ़ में ऑटो ड्राइवर ने नाबालिग से की छेड़छाड़, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कोलकाता में 7 साल की बच्ची की मौत पर बवाल, लोगों ने सरकार और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। नाराज भीड़ ने कई गाड़ियों में लगाई आग, पुलिस पर पथराव भी किया। यूपी के बहराइच में 8 साल के लड़के का मर्डर हुआ, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में एनआरआई कॉम्प्लेक्स के पास एक तेज रफ्तार कार ने दूसरी कार को मारी टक्कर, हादसे में एक घायल। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने महाराष्ट्र में बसंती दुर्गा पूजा की, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी दिल्ली के इस्कॉन मंदिर पहुंची, पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने टॉपर्स बच्चों को बांटे पुरस्कार, कहा कि मेधावी स्टूडेंट्स की सरकार करेगी हर संभव मदद। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आयुर्वेद महाकुंभ का शुभारंभ किया, बोले छात्रों को वैद्य नहीं डॉक्टर कहलाना ज्यादा पसंद। अयोध्या में नवरात्रि में श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने शुरू किया भंडारा, हलवा पूड़ी के साथ फल की भी व्यवस्था। छत्तीसगढ़ के रामनामी समाज के श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे, भगवान राम की भक्ति में लीन नजर आए। फ्रीडम ऐप से सीख कर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। रमजान के महीने में नॉन अल्कोहलिक परफ्यूम की बड़ी मांग, हैदराबाद में किफायती रेट पर है उपलब्ध। फायरिंग से फिर दहला अमेरिका, नैशविले के एक प्राइमरी स्कूल में हुई फायरिंग, 3 मासूम समेत 6 लोगों की मौत। गोलीबारी के दौरान नर्सरी से लेकर 6ठी कक्षा तक के 200 बच्चे मौजूद थे, अज्ञात बंदूकधारी ने की फायरिंग, घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस मुठभेड़ में बंदूकधारी की भी मौत हुई, बंदूकधारी और उसके मकसद के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं मिली। काबुल में विदेश मंत्रालय के पास बड़ा विस्फोट, 6 लोगों की मौत, कई घायल। ICC ने बदली इंदौर पिच की रेटिंग, डिमेरिट पॉइंट 3 से घटाकर 1 किया। IPL 2023 में पहली बार बहरे
दर्शक भी ले पाएंगे मैदान में शोर का मजा। स्टार स्पोर्ट्स ने लॉन्च किया एक नया फीचर। राजस्थान रॉयल्स में तेज गेंदबाज संदीप शर्मा की एंट्री, चोटिल प्रसिद्ध कृष्णा की लेंगे जगह। आईपीएल प्रैक्टिस सेशन के दौरान रविंद्र जडेजा ने दिखाया पुष्पा का स्टाइल, खास अंदाज में फैंस को खुश किया। चेन्नई में सीएसके की प्रैक्टिस देखने पहुंचे हजारों दर्शक, धोनी का सिक्सर देख झूमे फैंस। धोनी ने चेन्नई में स्टेडियम की सीर को खुद किया पेंट, 3 साल बाद चेन्नई में खेला जाएगा आईपीएल। वुमेन प्रीमियर